हेलो फ्रेंड्स आई एम प्रोफेसर सुरेश जसबे फ्रॉम डांडेकर कॉलेज पालगर अप टू दिस पोजीशन फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स वी हैव स्टडीड अबाउट द न्यूटन स्कर्पसकल थ्योरी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ड्रॉबैक्स अब इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए उसी डिकेड में मतलब 1670s में दूसरा साइंटिस्ट दैट इज हाइजेन He have given that is a another theory and we have to study about Huygens wave theory of light. Means in 1670 Huygens first given the theory that is related to the constituent of light. Now which are the different characteristics and points of this theory that we have to study there. Now look at the first point what he have considered there that is light is emitted in the form of a small

अब यहाँ पे देखो हाइजेन ने क्या कंसीडर किया है दैट इज देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ मींस यहाँ पे लोंगिट्यूडनल वेव कंसीडर किया है इसीलिए हर एक वेव का वेवलेंथ अलग-अलग होगा इसीलिए वहां पे अलग-अलग लाइट -अलग की कलर्स है ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट देयर दैट इज व्हाट ही हैव कंसीडर देयर मींस इन 1670 वी आर वेल नोन अबाउट ओनली मैकेनिकल वेव्स मींस द वेव्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन और तब हाइजेटिटनल मतलब की जरूरत होती है ओके एंड एज वी आर वेल नो दैट सनलाइट कम्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ दैट मीन देर नो कंटिन्यूस मीडियम देर तो यह लाइट कैसे आती होगी

मी सॉलिड लिक्विड गैसेस में है ही है इन वैक्यूम आल्सो देयर एंड दिस स्मॉल लोंगिट्यूडनल वेव्स दैट इज द लाइट वेव्स आर देयर दे आर ट्रेवलिंग थ्रू दिस ल्यूमिनिफेरस इथर मीडियम ऐसे हाइजैन ने बताया उस वक्त नाउ आगे के पॉइंट्स देखो एंड बाय कंसीडरिंग दिस पॉइंट्स आर देयर ये जो बाकी के चार पॉइंट्स हम लोगों ने जो डिस्कस किए जो हम लोगों को बहुत सारे कांसेप्ट जो न्यूटन की थ्योरी से मतलब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन दीज आर द पॉइंट्स आर देयर दैट आर कंसीडर्ड एज ए रे ऑप्टिक्स आर देयर एंड ऑल द कांसेप्ट ऑफ द रे ऑप्टिक्स देयर वेल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस हाइगेंस थ्योरी एज वेल एज जो न्यूटन के थ्योरी के ड्रॉबैक्स थे जैसे कि इंटरफेरेंस है डायफ्रैक्शन है दे आर आल्सो वेल एक्सप्लेन बाय दिस हाइगेंस थ्योरी दैट इज द नोटेबल पॉइंट दैट यू आर रिमेंबर देयर और देखो द सेम टाइम जैसे न्यूटन के थेरी का ड्रॉबैक था, था, न्यूटन ने बताया था. और कॉन्ट्रेक्टरी हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल मिलता था तो हाइजन ने वही बताया दैट वेलॉसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर मीडियम तो जो प्रैक्टिकली मिलता था हम लोगों को वही उसका रिजल्ट हाइजेंस व्यो थे बता दिया नाउ दीज आर द सम पॉइंट्स बट देन द्वारो देर आर सम ड्रॉबैक्स इन दिस दिसरी कुछ अच्छी बातें बताई है कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट्स बताए दैट इज रिप्लेक्शन रिप्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स आर देयर दे आर वेल एक्सप्लेन बट देन देर इज फर्स्ट ड्रॉबैक स ऑफ ल्यूमिनिफेरस इथर मीडियम जैसे हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया कि मैंने बताया कि मन घड़ एक मीडियम उसने कंसिडर किया था जो ने उसको नाम भी दिया लुमस इथर मीडियम हर जगह पे है ऐसे हाइजन ने बताया लेकिन क्या हुआ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स टू डिटेक्ट द इथर मीडियम दैट इज आर फेल्ड तो फाइनली हम लोगों ने

क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ लाइट दैट इज पोलराइजेशन इज शोन बाय ओनली ट्रांसवर्स वेव्स आर देयर एंड हैव दैट दैट इज़ लाइट वेव्स आर नथिंग बट द लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। इसकी वजह से ये थ्योरी या ए पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया साथ में ये ल्यूमिनिफेरस इथर मीडियम मेन ड्रॉबैक बन गया इसीलिए ये थ्योरी भी वहां पे एक्सेप्ट नहीं हुई थी

लाइट इज इमिटेड इन द स्मॉल लॉन्जिट्यूडनल वेव ये लॉन्जिट्यूडनल वेव ये वर्ड उसने हटाया एंड ही फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सवेल का क्या सेंटेंस मैक्सवेल एक्सप्लेन लाइट वेव्स वेव्स। आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नथिंग बट द नॉन वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है मतलब हाइजेंस का पहला जो ड्रॉबैक था वो यहां पे रिमूव हो रहा है इसने यही एज्यूम किया मैक्सवेल ने दैट इज देर इज नेसेसिटी ऑफ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो ये लाइट वेव्स कैसी बनी है दिस वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर एंड कंसिस्ट ऑफ टाइनी ऑसोलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू इच अदर मींस पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज इन दिस वे मैग्नेटिक कंपोनेट इज इन दिस वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू इच ऑदर एज वेल एज आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वे मीन समझने के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं यदि हम लोगों ने कॉर्डिनेट एक्सिस कंसिडर किए एक्स वाई एंड जेड तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दैट इज अलॉन्ग दर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर अलॉन्ग दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग देयर बट द द एक्चुअली वेव एक्सिस दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दैट इज दंसिडर्ड एज अ ट्रांसवर्स इन नेचर that is the main point of this maxwell theory that is the only change and that's why what we have considered there of that is these waves does not require some material medium for their propagation and they can travel through vacuum also so that is a maxwell modified Huygens wave theory of light and nowadays we are well known about this theory that is known as modern wave theory of light. तो मैक्सवेल ने सिर्फ हाइजेन के शुरू का जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज करके अब हम लोगों ने उसको नाम दिया है मॉडर्न ऑफ लाइट। थे न्यूटन के जो ड्रॉबैक्स थे वो रिमूव हो गए मैक्सवेल में लेकिन फिर भी उसमें से कुछ ड्रॉबैक्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं न्यूटन और मैक्सवेल में भी एंड that we are to consider there that is but this theory also fails to explain concept of photoelectric effect which was later explained by max planck matlab maxwell ki theory ke baad bhi hum logon ko photoelectric effect kya hai ये कैसे concept तैयार होता है या इसका इसके पीछे का reason क्या है ये हम लोगों को पता नहीं था और इसको explain करने के लिए हम लोगों को study करना है that is a प्लैंक्स क्वांटम थी तो प्लैंक्स ने क्या बताया दैट इज लाइट इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स आर देयर ओके दोज आर वाइब्रेटिंग इन सच ए वे दैट दे आर एबल टू जनरेट आर देयर मीन्स पार्टिकल भी है और वेव भी है ये प्लैंक ने बताया मीन्स उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ नेचर ऑफ लाइट

ओके okay. और उसने क्या बताया पार्टिकल्स ऑफ द लाइट मीनू थेरी को उसने दोनों को मिक्स करके प्लान क्वांटम मैक्सवेल थ्योरी को मिक्स करके हम लोगों को प्लैंक्स क्वांटम थेरी मिलता है और उसने क्या बताया दैट इज पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर ऑल्सो नोन एज फोटोन और क्वांटा उसने पार्टिकल को नाम दिया दैट इज अ फोटोन और क्वांटा और ये फोटोन और क्वांटा उसको खुद का एक वेवलेंथ है उसको खुद का एक फ्रीक्वेंसी है और वो एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ ट्रैवल होता है दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर साथ में अब ये हम लोगों को मालूम हुआ दैट इज अ ड्यूअल नेचर दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर देयर

Okay, that is there. तो इसके बीच में सभी जितनी है, वे है, विलाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर क्लासिफाइड एज अब इसको हम लोगों ने यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर से लगा दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मीन सबसे छोटा उससे बड़ा बड़ा तो सबसे छोटा सबसे कम वेवलेंथ किसका है दैट इज